नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? अच्छा करता हूँ, आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आपके पास भी आधार कार्ड है और दोस्तों अगर आप भी अपना आधार कार्ड वर्चुअल आईडी से डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना आधार कार्ड वर्चुअल आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं, वर्चुअल नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे मान लीजिए अगर आपको आधार कार्ड अपना एनरोलमेंट आईडी से डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आप अपना आधार कार्ड नंबर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। यहाँ पे आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है इस वीडियो के अंदर अपन इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, बात करने वाले हैं कि कैसे आप जो है वर्चुअल आईडी से अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये इशू रहता है कि उनको जो है समझ में नहीं आता कि उनकी वर्चुअल आईडी क्या है, क्योंकि आजकल जो नए नए आधार कार्ड आने लग गए हैं, जो नए नए जो है जो निकलने लग गए हैं, आजकल आधार कार्ड में वर्चुअल आईडी लिखी हुई नहीं आती, केवल आधार कार्ड नंबर लिखा हुआ था 12 डिजिट का, 12 डिजिट का। तो कैसे आप अपना वर्चुअल आईडी ऑनलाइन निकाल सकते हैं, ऑनलाइन निकालने के बाद आप जो है वो वर्चुअल आईडी एंटर करके आपका जो है आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है जो आपका आधार कार्ड रहता है वो मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में कैसे जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए उसको वीडियो को स्टार्ट करना, आपको बता दूँ कि कैसे आप अपना आधार कार्ड आपकी वर्चुअल आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप वर्चुअल आईडी निकाल सकते हैं अपने आधार कार्ड की और कैसे आप वर्चुअल आईडी एंटर करके आपका आधार कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वर्चुअल आईडी से आधार कार्ड डाउनलोड करने लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है गूगल पे आना है, गूगल पे टाइप करना है दोस्तों UIDAI। दोस्तों UIDAI जो है गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है आधार कार्ड की। यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए कोई भी चेंजेस करवाने हैं अपने आधार कार्ड में, एड्रेस चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करवाना है, या आधार कार्ड लोकेट करना है, आधार सेंटर लोकेट करना है, या आपका जो आधार कार्ड गुम गया है या चोरी हो गया या कुछ भी हो गया तो उसको दोबारा से नया करवाना है, नया बनवाना है, आधार कार्ड डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे जो है सारी डिटेल्स आप जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको आपका जो है आधार कार्ड जो है सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाती है गवर्नमेंट की जो है ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड डाउनलोड करने, वर्चुअल आईडी से डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे दोस्तों ऊपर ही ऊपर यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे ऊपर ही ऊपर दोस्तों आएंगे, यहाँ पे जो है आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, गेट आधार कार्ड, लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर, बुक एन अपॉइंटमेंट, चेक आधार स्टेटस, डाउनलोड आधार। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको डाउनलोड आधार वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों डाउनलोड आधार वाले लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है नीचे आना है आपको, यहाँ पे ऑप्शन देगा डाउनलोड आधार, तो डाउनलोड आधार वाले ऑप्शन पे आपको आना है। इसके बाद दोस्तों ये आपको तीन ऑप्शन देता है, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बाद एनरोलमेंट आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बाद वर्चुअल आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप आधार कार्ड नंबर से डाउनलोड करना चाहते हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एनरोलमेंट आईडी से डाउनलोड करना चाहते हैं उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अपन वर्चुअल आईडी से, तो वर्चुअल आईडी से कैसे आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों को वर्चुअल आईडी निकालनी नहीं आती, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हमारी जो है वर्चुअल आईडी क्या है, तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे सिंपली जो है बैक करना है। बैक करेंगे आप दोबारा से आपको इस वाले पेज पे आ जाना है, इसके बाद दोबारा से आपको डाउनलोड आधार वाले बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद नीचे आना है आपको। अब यहाँ पे जो है कुछ आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं, डाउनलोड आधार, ऑर्डर आधार, पीवीसी कार्ड, इसके बाद चेक आधार, पीवीसी कार्ड स्टेटस, चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, लोकेट एनरोलमेंट सेंटर, बुक एन अपॉइंटमेंट, रिट्राइव ईआईडी, आधार कार्ड नंबर, इसके बाद वेरीफाई आधार, वेरीफाई ईमेल नंबर, फोन नंबर, वेरीफाई आधार, वीआईडी जनरेटर, और यहाँ पे जो है लॉक अनलॉक आधार कार्ड। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा वीआईडी जनरेटर, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों वर्चुअल आईडी जनरेटर, इसको बोलते हैं वर्चुअल आईडी जनरेटर। ये बोलेगा क्लिक हियर टू जनरेट 16 डिजिट वर्चुअल आईडी लिंक टू योर आधार, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, पहला बोलेगा जनरेट वीआईडी, दूसरा ऑप्शन बोलेगा रिट्राइव वीआईडी। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको अपना एंटर यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, तो यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल देना है, इसके बाद नीचे कैप्चा कोड डालना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है, वो ओटीपी जब आप डालेंगे तो आपकी जो है वर्चुअल आईडी आपको पता लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों मैं जो है अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल के आपको नेक्स्ट प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने जो अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया है, कैप्चा कोड डाल दिया है, कैप्चा कोड डालने के बाद सेंड ओटीपी वाले बटन में क्लिक कर देते हैं। अभी दोस्तों बोलेगा ओटीपी सेंड टू योर आधार कार्ड रजिस्टर मोबाइल नंबर, तो आधार कार्ड का आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर जो है एक ओटीपी आता है और वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर ओटीपी वाले फील्ड पे डालना होता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि ओटीपी आने में थोड़ा सा कभी कभी टाइम लग जाता है, 1-2 मिनट का, क्योंकि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ओटीपी आ चुका है और ओटीपी मैंने कॉपी कर लिया है। ओटीपी कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो है ओटीपी डाल देते हैं, वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ और वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पे जो है लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं योर वर्चुअल आईडी हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर आधार कार्ड रजिस्टर मोबाइल नंबर, यानी कि आपका जो आधार कार्ड का रजिस्टर मोबाइल नंबर होता है उस पे जो है आपका जो है वर्चुअल आईडी यहाँ पे आ जाता है, SMS आ जाता है। और यहाँ पे जो है आप ये वर्चुअल आईडी कॉपी यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे जो आपके पास एक मैसेज आता है वर्चुअल आईडी का, तो वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह का मैसेज आता है, यहाँ पे आपको मैसेज दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है डियर मोहित सोनी, दिस इज योर जो है वर्चुअल आईडी फॉर आधार कार्ड नंबर जनरेटर एट दिस टाइम और दिस डेट। तो यहाँ पे जो है आपको वर्चुअल आईडी आपको मैसेज पे आ जाती है। अब दोस्तों क्या करना है, अब आपको सिंपली जो है यहाँ पे बैक पे आना है, बैक पे आने के बाद ऊपर आना है दोबारा से आपको, यहाँ पे डाउनलोड आधार वाले बटन दोबारा से यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे डाउनलोड आधार वाले लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद दोबारा से आपको डाउनलोड आधार वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपको जो है वर्चुअल आईडी पे का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे जो है आपके पास जो वर्चुअल आईडी यहाँ पे आई है आपकी 16 डिजिट की, वो यहाँ पे डाल देनी है। तो चलिए मैं अपनी वर्चुअल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ।
यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जो है अपना वर्चुअल आईडी यहाँ पे डाल दिया है। वर्चुअल आईडी डालने के बाद 16 डिजिट की जो वर्चुअल आईडी आपके पास एसएमएस के थ्रू प्राप्त होती है, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है आधार कार्ड का उस पर प्राप्त होती है, वो रजिस्टर वो आधार वो आईडी यहाँ पे डालने के बाद आपको नीचे कैप्चा वाला ऑप्शन दिखाई देता है। तो कैप्चा वाले ऑप्शन में आपको कैप्चा फिल कर देना है जैसे जैसे लिखा हुआ है। तो चलिए मैं कैप्चा डाल देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जो है वर्चुअल आईडी अपना डाल दिया है, जो मेरे को रजिस्टर मोबाइल नंबर पे प्राप्त हुआ है, और यहाँ पे जो रजिस्टर मोबाइल नंबर पे मुझे प्राप्त हुआ है, और यहाँ पे जो है कैप्चा कोड मैंने डाल दिया है। यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करने के बाद ये आपको बोलेगा ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर। यहाँ पे जो है दोबारा से आपको थोड़ा सा नीचे करना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको आधार कार्ड डाउनलोड करने पर भी आपको जो एक नया ओटीपी आपको मिलता है, जो कि आपको देना अनिवार्य देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है दो ओटीपी मिलता है। पहला ओटीपी तो जब आप वर्चुअल आईडी जनरेट करते हो तब आपको ओटीपी डालना पड़ता है, और दूसरा ओटीपी आपको डालना पड़ता है जब आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड करने वाले होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जो है अपना ओटीपी कॉपी कर लिया। ओटीपी कॉपी करने के बाद यहाँ पे डाल दिया, वेरीफाई एंड डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। वेरीफाई एंड डाउनलोड वाले बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैसेज आ चुका है लिखा हुआ कि कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार कार्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली डाउनलोड। तो यहाँ पे जो है आपका जो है आधार कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आपका जब आधार कार्ड यहाँ पे ओपन करना है आपको, तो यहाँ पे जो है आपको कुछ पासवर्ड देना पड़ता है। पासवर्ड आपको बता देता हूँ कैसे देना पड़ता है। उससे पहले सबसे पहले जब आपको क्या करना है, आपका आधार कार्ड चेक करने के लिए फाइल मैनेजर ओपन करना है, और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वाले फील्ड में आना है, और ऊपर ही ऊपर जो आपका आधार कार्ड आता है उसको आपको है पीडीएफ के थ्रू जो है ओपन करना है। अब दोस्तों ये जो पीडीएफ जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है एक आपको पासवर्ड दिया गया है, जो पासवर्ड आपको डालना पड़ता है। और पासवर्ड कैसे सेट करना है दोस्तों वो आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपका नाम है अनिश कुमार, ANISHKUMAR, तो आपके स्टार्टिंग के जो नेम के जो फर्स्ट फोर लेटर है वो कैपिटल में डालने हैं, जैसे ANIS वो यहाँ पे कैपिटल में डालने हैं। इसके बाद जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है, यानी 1990 है, 1991 है, 92 है, 93 है, 94 है, 95 है, तो वो डाल देना है। जैसे आपका जो पासवर्ड, अगर मान लीजिए अगर आपका नाम है अनिश कुमार, तो आपका पासवर्ड हो जाएगा ANIS कैपिटल में, एंड देन 1990 या 1992 या 1993 या 94 या जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है, ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे डाल देना है। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे जो है मेरा नाम है मोहित, तो यहाँ पे कैपिटल में फोर लेटर आ जाएंगे MOHI, और देन जो मेरा ईयर ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आ जाएगा 1990, 91, 92, 93, 94 जो भी है मेरा डेट ऑफ बर्थ वो यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, और यहाँ पे जो लॉगिन करके आपको फाइल दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जो है यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद ओपन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है पीडीएफ फाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ पे जो है आधार कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। इस तरह से दोस्तों आप भी अपना जो है आधार कार्ड अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं एनरोलमेंट आईडी के थ्रू, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था। उसका जो है लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको वर्चुअल आईडी के थ्रू कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं वो मैंने आपको जो है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको समझाया, इन्फॉर्मेशन बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा यार, और कोई भी आपका समस्या सुझाव है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, इशू है, तो नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो को नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको कोई भी इशू है तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चले मिलते हैं, तब तक के लिए बोलते रहे हर मध्य मुझे बने रहता।